नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। नवरात्र के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र का दिन है, देवी के नौ रूपों की पूजा का दिन आ रहा है। हर और नवरात्रि की रौनक नजर आ रही है, लोग माँ की पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में आज हम नवरात्रि पर आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको नवरात्रि का महत्व, पूजा करने की विधि, कलश स्थापना की विधि, शुभ मुहूर्त और माँ की उपासना कैसे करें, नवरात्रि पर बदलने वाली ग्रह और नक्षत्र से राशियों पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, 30 साल बाद ऐसे कौन से संयोग बन रहे हैं जिससे कुछ राशि वाले के लिए लाभ आने वाला है, सभी पर बात करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आचार्य विनोद शर्मा जी हैं। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की, आखिर महिमा क्या होती है। सबसे पहले यही बताइए कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उसका आखिर क्या अर्थ है, कैसे ये मनाए जाए। जी सबको नमस्कार, और बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। यूँ तो माँ की कृपा हमें पूरा साल प्राप्त होती रहती है, माँ के भक्त उनकी भक्ति में सराबोर रहते हैं, लेकिन ये जो 9 दिन है नवरात्रि में, चाहे वो शरद काल की नवरात्रि हो अथवा चैत्र की नवरात्रि हो, ये बड़े ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारी चेतना में भी परिवर्तन होता है, और अगर ऐसे में हम माँ के मंत्रों के साथ, माँ की पूजा के साथ खुद को जोड़ देते हैं, तो भक्ति का जो एक भक्ति की सीढ़ी है, बहुत तेजी से हम उस पर आगे बढ़ते हैं। और माँ कहते हैं कि अपने 9 रूपों में इन 9 दिनों के अंदर जागती हैं और अलग अलग तरीके से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, इसीलिए इन नवरात्रियों में माँ की साधना का बहुत ही विशेष महत्व है। 9 दिन बेहद ही खास होते हैं, माँ को अलग अलग तरह से हर कोई पूछता है, अलग अलग तरह के जतन करता है। आखिर हम ऐसा क्या खास करें, हम माता को कैसे खुश करें, ये 9 दिन कैसे हम निकालें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, इस पर भी आचार्य जी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले इसमें भक्तजन जो है वो कलश स्थापना करते हैं, जिसको कि एक साधारण भाषा में कलश को, कलश के अंदर अगर हम इसे समझें तो एक मिट्टी का कसोरा लें अथवा कलश लें, उसमें थोड़ा सा साफ मिट्टी डाल करके जौ को डालें। आचार्य जी ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है इसका। देखिए, इस बार एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि माँ घोड़े की सवारी पर आ रही हैं। हर बार नवरात्रों में माँ की सवारी अलग होती है, और जहाँ तक सवाल है कि पूजा का मुहूर्त, तो सुबह प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह 6:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक माँ की विधि विधान से पूजा करें, घट की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें। जो लोग भी घर में पूजन करते हैं अथवा मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं, दोनों ही जगह पूजा करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, जिस टाइम में पूजा करने से अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी की प्राप्ति होगी, धनहीन हैं तो धन की प्राप्ति होगी, टाइमिंग जो है वो नवरात्रि में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा अच्छा आपने पूछा, तो नोट करें सभी भक्तजन कि सुबह 6:15 बजे से लेकर के सुबह 10:15 बजे तक प्रतिपदा वाले दिन ही, आज ही आपको घट स्थापना करनी है। और अगर किसी का ये टाइम छूट जाता है तो फिर एक टाइम अविजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जो कि आज 12:15 बजे से लेकर 1:45 बजे तक दोपहर को रहेगा। अगर सुबह का टाइम छूट जाए तो आप अविजित मुहूर्त में अवश्य कलश की स्थापना कीजिएगा, माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी आचार्य जी, घर में पूजा करने के लिए कलश स्थापना भी होती है, उसका शुभ मुहूर्त आखिर क्या होगा, विधि क्या होगी उसकी। जी जी, जहाँ तक कलश स्थापना का मुहूर्त की टाइमिंग है, जैसे मैंने अभी 2 टाइम बताए, सुबह 6:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर को तकरीबन 12:15 से 1:45 बजे तक। और जहाँ तक विधि का सवाल है, तो आप एक कलश लेके आए अथवा कोई मिट्टी का एक कसोरा लें, उसमें साफ सुथरी मिट्टी बड़ी भावना के साथ भरें, उसके बाद उसके ऊपर स्वास्तिक, श्री, ओम इत्यादि के सुंदर सुंदर धार्मिक चिन्ह अर्पित करें, अंकित करें उसके ऊपर। फिर जो है आपने उसको जौ को जो है मिट्टी में डाल देना है, और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के माँ की वेदी
अथवा माँ की मूर्ति के सामने उसको आपने बड़ी भावना से एक चुनरी लपेट कर रख देना है और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल उस पर अर्पित करना है। कहते हैं कि जैसे जैसे वो जौ फूटते हैं, उनमें अंकुर फूटते हैं, वैसे वैसे माँ ही आपके घर में प्रकट होती है तथा आपको बहुत सारी खुशियों से ब्लेस करती है। बहुत नवरात्रि में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या पूजन। आखिर कन्या पूजन किस तरह से किया जाए, इसकी सरल विधि क्या है, कैसे करें? देखिए, कन्या पूजन जिसको कहें कि हर त्योहार की एक आत्मा होती है, जैसे दिवाली की आत्मा होती है गणपति जी और लक्ष्मी का पूजन, ऐसे ही नवरात्रि की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि कन्या को, कुंवारी कन्या को साक्षात देवी का ही रूप माना जाता है। तो कुछ लोग इसको अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नौमी को करते हैं। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं चाहे वे 9 हो अथवा 11 हो, आप यथाशक्ति कन्याओं को पहले उनके घर जाकर निमंत्रण दिया जाता है। जब कन्याएं आपके घर आती हैं तो उनके पैर धुलवाकर, पैरों में पालता लगाकर उनका अभिवादन अपनी चौखट से किया जाता है तथा विधि विधान से उनका पहले पूजन करके उसके बाद फिर हलवा इत्यादि का प्रसाद और साथ जो गिफ्ट, बेहतर से बेहतर गिफ्ट्स आप कन्याओं के लिए लाएं और फिर उनको दक्षिणा दें। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहता हूं जो लोग कन्या पूजन के वक्त भूल जाते हैं। जब आप कन्या को विदा करें अपने घर से उनका पूजन करके, तो याद रखें कि थोड़े से अक्षत लें, थोड़े कच्चे चावल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें। उन कन्याओं को कहें कि ये हल्दी मिले हुए अक्षत आपके ऊपर छिड़क दें, उसके बाद आप उन्हें विदा करें, तो यकीन मानिएगा कि इन नवरात्रों के बाद आपके आर्थिक हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। ये एक ऐसी गुप्त विधि है कि जो अगर कोई करे तो उसका लाभ उसको 90 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाए। वैसे तो पूरी नवरात्रि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खास रहती है, पर सप्तमी की बात करें, अष्टमी की बात करें, नवमी की बात करें, तो इसमें विशेष पूजा लोग करते हैं। आखिर इसमें पूजा कैसे की जाए? देखिए, खास तौर पे जो पूजा इसमें अष्टमी, नौमी, सप्तमी की जो ये तीन पूजाएं हैं, क्योंकि बाकी के 9 नवरात्रों में हमारी ऊर्जा कहते हैं एक एक चक्र से होती हुई सप्तमी तक वो विशुद्धि कंठ पे आ जाती है, विशुद्धि चक्र पे। इसके बाद आज्ञा चक्र और हमारा क्राउन चक्र जो सहस्त्रार चक्र है, जहाँ पर देवी अपनी पूरी ध्वज में प्रकट होती है। तो इन तीन दिनों में रात्रिकालीन पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो जब सूर्य छिप जाए, आप एक कमल गट्टे की अथवा रुद्राक्ष की माला लें, उसके ऊपर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इन तीन दिनों में अगर कोई 11 माला सूर्यास्त के बाद देवी की मूर्ति के सामने गाय के देसी घी का दीपक जलाकर अगर इन मंत्रों की साधना कर लेता है, तो जो भी रिद्धि सिद्धि अथवा जो भी उनकी मनोवांछित मनोकामना है उसको देवी पूरा करती है। और सबसे बड़ी बात है कि यही वो तीन दिन है जिसमें पूरा पोटेंशियल होता है हमारी कॉन्शियसनेस में कि वो फेमिनिटी को, वो जो देवी का जो परम सर्वोच्च रूप है, ज्वाला रूप, उसको अपने अंदर भी प्रकट कर सकते हैं। माँ के आगमन की तैयारियां तो बहुत दिन पहले से ही आचार्य जी शुरू हो जाती हैं। आगमन सवारी की बात करें या उसके महत्व की बात करें, तो आखिर क्या महत्व है, सवारी क्या है, इस बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी, जैसे मैंने कहा कि इस बार माँ का आगमन घोड़े की सवारी पर हो रहा है तथा माँ जो विदा हो रही है तो हाथी की सवारी पर हो रही है। यूं तो हमारे जितने भी शक्ति से जुड़े हुए शास्त्र हैं उसमें घोड़े की सवारी को उतना अच्छा नहीं कहा गया। ये कहा जाता है कि जब माँ घोड़े पर आती है तो उनके स्वभाव में एक रुद्र का तत्व होता है जिससे प्राकृतिक आपदाएं आने वाले समय में ये इंगित करती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि माँ जब जा रही है तो वो हाथी की सवारी पर जा रही है, यानी जाते समय वो आपको धन से, पैसे से, नौकरी से, कारोबार से ब्लेस करके जा रही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर बाकी नवरात्रों में आप व्रत इत्यादि नहीं भी कर सके तो आप नौमी का व्रत जब माँ विदा ले रही है तो अवश्य करिएगा, इससे धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। जी,
ये तो हमने सप्तमी अष्टमी और नवमी की बात की, विशेष पूजा की। चैत्र नवरात्रि पर अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग और शश योग बन रहा है, आचार्य जी क्या है आखिर दोनों संयोग के महत्व और इसके आखिर क्या महत्व, किस लिहाज से ये संयोग बन रहे हैं? धन दौलत की बात करें, पढ़ाई की बात करें, करियर की बात करें, व्यापार की बात करें, आखिर किसके लिए अच्छा होने वाला? देखिए, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, साथ ही शश योग एक साथ आए, वो भी नवरात्रि की शुरुआत में। तो ये जो दुर्लभ खगोलीय घटना घट रही है, ये प्रथम नवरात्रि को ही हो रहा है। अमृत सिद्धि योग में आप जो भी काम करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी पुण्य दान इत्यादि करते हैं, उसका फल आप जो करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। और सर्वार्थ सिद्धि, इसका एक शाब्दिक अर्थ यही है कि जितने भी अर्थ से जुड़े काम हैं, जितने भी धन से जुड़े काम हैं, अगर आज आप कलयुग में धन का इतना महत्व है कि अगर आप धन से सुखी हैं तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। इसलिए जो लोग धन चाहते हैं, जो लोग पद चाहते हैं, क्योंकि यहाँ शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है जो शनि से बनता है, जब शनि अपने घरों में आते हैं, तो शनि के इस शश योग का फायदा, सर्वार्थ सिद्धि का फायदा, अमृत सिद्धि का फायदा, इन तीनों योगों का फायदा इस बार देवी की पूजा भक्ति करने से भक्तों को मिल सकता है। धन से सुखी होने के लिए, काया से निरोगी होने के लिए तथा पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, ये तीनों योग जो पहले नवरात्रे प्रतिपदा को बन रहे हैं, हमें इनका मौका गंवाना नहीं चाहिए, इसमें अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए देवी की तरफ। जी आचार्य जी, कौन कौन सी राशियों के लिए आखिर खास ये नवरात्रि रहने वाली है, कि बहुत ज्यादा फल मिलेगा इस बार, और क्या इस बार इन राशियों में खास रहने वाला है? देखिए, यूं तो माँ की कृपा सभी राशियों पर एक तरह से ही बरसती है, लेकिन फिर भी ग्रह गोचर कुछ इस तरह के होते हैं कि कुछ राशि वाले कुछ चीजों का ज्यादा लाभ ले जाते हैं। ऐसी बात करें तो मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, क्योंकि माँ घोड़े की सवारी पर आ रही हैं, ये एनर्जी से जुड़ी हुई राशियां हैं, इनके लिए ये नवरात्रे विशेष लाभदायी रहने वाले हैं। जी, अब 12 राशियों के लिए कुछ खास उपाय आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले अगर 12 राशियों में बात करें तो अगर मेष राशि वाले इस बार नवरात्रों में जितना अधिक गुड़ का दान देंगे किसी देवी के मंदिर में, उतना वो अपने कर्जे से मुक्त होते चले जाएंगे, अगर उनको कर्ज की समस्या है। आचार्य जी, राशियों की तो हम बात करेंगे, कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनका 30 साल के बाद संयोग ऐसा बढ़ रहा है, कुछ खास रहने वाला है, उस बारे में भी बताइए। जी, देखिए, जो मेष राशि है अथवा जैसे मैंने बताया सिंह राशि और वृश्चिक राशि है, तो बड़े लंबे समय से ये लोग किसी ना किसी इमोशनल प्रॉब्लम से, प्रेम संबंधित परेशानियों से ये लोग गुजरते रहे हैं, तो इन लोगों के लिए ये नवरात्रे थोड़े से आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने वाले हैं, जिससे इनकी परेशानियां कुछ कम हो सकेंगी, अगर ये राशियां खास तौर पे देवी की उपासना, देवी के दिव्य मंत्रों से तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से करेंगे। जी, तो इन राशियों को लंबे समय के बाद रिलीफ मिलेगा। जी, और अगर वन बाय वन अगर हम राशियों की बात करें, आपने पहले जिक्र किया, अब वृषभ राशि की अगर हम बात करें, इनके लिए कितना खास रहने वाला है नवरात्रि का पर्व? देखिए, वृषभ राशि वाले खास तौर पे नेचुरल एक उनमें टेंडेंसी होती है, देवी की भक्ति का उनमें आकर्षण होता है, तो इस बार वृषभ राशि वालों को अपनी सारी समस्याओं के निदान के लिए केसर मिश्रित खीर का भोग 9 के 9 दिन माँ दुर्गा को लगाना है, देवी को लगाना है। ऐसा करने से कारोबार में आने वाली सारी रुकावटें उनकी दूर हो जाएंगी, तो वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये पर्व? देखिए, मिथुन राशि वाले बहुत लंबे समय से कुछ उनके प्रॉपर्टी के काम अटके हुए हैं, तो अगर मिथुन राशि वाले किसी भी देवी मंदिर जाकर देवी को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं 9 दिन ही, आप चाहें तो अलग अलग मंदिरों में जाके भी दुर्गा देवी को अर्पित कर सकते हैं, आप देखिएगा कि सारी समस्याएं माँ भगवती कैसे उनसे आपको छुटकारा दिलवा देगी। ये तो हमने मिथुन राशि की बात करी, कर्क राशि की अगर बात की जाए, उनके लिए ये नवरात्रि का पर्व कितना खास रहेगा? देखिए, कर्क राशि वालों का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, जिसके अधिष्ठाता देवता शिव हैं, जिनकी अर्धांगिनी गौरी है, तो
तो कर्क राशि वालों को चाहिए कि प्रतिदिन वे पंचामृत का भोग अगर देवी को लगाते हैं तो जो कुछ भी समस्याएं किसी डायलेमा में फंसे हुए हैं, किसी विरोधाभास में हैं आंतरिक तौर पे, तो उससे वे मुक्ति पा जाएंगे। कर्क राशि वालों के नवरात्रे बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये पर्व? सिंह राशि वाले बहुत लंबे समय से अगर किसी मानसिक अवसाद से पीड़ित थे तो उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। सिंह राशि वालों को देवी की और भी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है कि वो 9 के 9 दिन देवी के मंदिर में जाकर अनार अर्पित करें। ऐसा करने से उनकी विशेष आत्मविश्वास भी बढ़ेगा तथा कारोबार में भी सफलता मिलेगी। कन्या राशि के लिए कितना कैसा खास बन रहा है, कैसा संयोग बन रहा है इस बार? कन्या राशि वाले जो लंबे समय से आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण कुछ दिमागी तौर पे परेशान चल रहे थे, ये नवरात्रे कन्या राशि वालों को उस आर्थिक कमी के दलदल से निकाल के बाहर कर देंगे। बहुत अच्छा होगा कि कन्या राशि वाले 9 के 9 दिन प्रतिदिन गाय के घी का दीपक जलाकर ओम श्रीम नमः का जप करें तो ये नवरात्रि उनके लिए और भी ग्रेसफुल हो जाएंगे। तुला राशि के लिए कितना खास रहेगा ये नवरात्रि का पर्व? जी ऋतु जी, तुला राशि जो कि काल पुरुष की सप्तम राशि है, तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र कभी खराब हो जाए तो उसके लिए देवी की ही आराधना बताई जाती है। तो तुला राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है कि 9 के 9 दिन किसी देवी मंदिर में जाएं तथा वहां शंख बजाएं। ऐसा करने से एक तो उनके पुराने रोगों से मुक्ति हो जाएगी, साथ ही धन के नए द्वार भी खुलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है इस बार? जी, वृश्चिक राशि वाले यूं तो बहुत जुझारू होते हैं, पिछले कुछ समय से उनको भी एक तरह के मानसिक अवसाद ने घेरा है, साथ ही बहुत वर्क का बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं, पजल है वो, तो उस उनका पजल को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो देवी मंदिर जाएं और वहां बैठ करके दुर्गा सप्तशती का यथाशक्ति पाठ करें, उनका कल्याण हो जाएगा। धनु राशि के लिए क्या खास रहेगा? धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। बहुत अच्छा होगा कि धनु राशि वाले दुर्गा चालीसा माँ के मंदिरों में वितरित करें। ऐसा करने से अगर वो कर्ज की समस्या से, लोन की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। मकर राशि के लिए कितना खास रहेगा ये नवरात्रि का पर्व? मकर राशि वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शश नाम का राजयोग बना के इन्हीं नवरात्रों में बैठा हुआ है, तो आप देवी के मंदिर में जाके, खास तौर पर काली मंदिर में जाके तिल के तेल का दिया जलाएं, हर तरह की बाधा दूर हो जाएगी। कुंभ राशि के लिए कितना खास रहेगा? देखिए, कुंभ राशि वालों को चाहिए कि छोटी छोटी कन्याओं को इन 9 नवरात्रों में जितना यथाशक्ति अधिक से अधिक संभव हो सके उपहार भेंट करें, माँ की ऐसी ब्लेसिंग होगी कि इनके दिन बदल जाएंगे। आखिरी राशि मीन राशि, वो कितनी खास रहेगी, उन लोगों के लिए कितनी खास? देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये नवरात्रि बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि माँ का निर्गमन, माँ का जो जाना है वो हाथी पर हो रहा है और उसका बृहस्पति से बहुत बड़ा कनेक्शन है जो मीन का स्वामी है, तो बहुत अच्छा होगा कि मीन राशि वाले प्रतिदिन माँ के मंदिर जाएं, वहाँ देसी घी का 2 मुखा दीपक अगर जला के आते हैं तो इनके कार्यों की सारी बाधाएं देवी दूर कर देंगी। जी, तो ये पूरा जो है नवरात्रि का पर्व कितना खास आप सभी के लिए रहेगा, किन किन के लिए खास रहेगा, ये सभी आचार्य जी ने बताया। और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी दी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना है।